जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग भाई अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और निरंतर अभ्यास करते रहे भाई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आपका नोटिफिकेशन भाई आ चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब भाई तैयारी अभी से करना चालू कर दो, नहीं तो आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब समय भाई आ जाएगा नज़दीक, तब सोचोगे कैसे करना है। इसलिए अभी से आप लोग अच्छे से भाई पढ़ना चालू कर दो। आज जानते हैं क्या है, 23 जनवरी है। और 23 जनवरी कौन सा दिवस है भाई, अगर इसको देखिए, पहले हम लोग मनाते थे सुभाष चंद्र बोस जयंती, क्योंकि उन्हीं की जयंती है, लेकिन अब इसका नाम भाई परिवर्तित कर दिया गया है, इसको हम लोग पराक्रम दिवस के नाम पर मनाते हैं भाई, ठीक है। तो दिवस थोड़ा सा आप लोग याद करते रहिएगा, लेकिन आज जानते हैं आप लोग, इसके लिए हमने आपको बताया भाई, ठीक है। और देखिए मेहनत करते रहो भाई, वर्ग वर्गमूल से जितना प्रश्न आपका आना था वो सब बता दिया गया है। आज हम लोग लेके चलेंगे घन और घनमूल बताएंगे, क्योंकि इससे भी आपका प्रश्न एक बन जाता है कभी कभार, लेकिन उसको आप लोग सीख लें कम से कम। आज हम लोग आपको बताएंगे इससे घन कैसे इजी निकालते हैं, इजी तरीके से उसको बताया जाएगा पहले, ठीक है। चले चलते हैं, क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए घन घनमूल पढ़ना है आज आपको, घन और घनमूल, घनमूल। देखिए वर्ग वर्गमूल आपको निकालना आ गया होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल कैसे निकाला जाएगा, इसको ट्रिक से हम लोग कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं भाई। देखिए घन का मतलब क्या है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए एक का क्यूब बताएं, क्या पूछ लिया जाए, एक का क्यूब बताएं, तो एक घन का मतलब इसकी घात कितना, कहेंगे 3। पावर कितना हो जाएगा भाई इसका, 3 लगाना। अब एक का क्यूब का मतलब है एक का गुणा कितनी बार, कहेंगे 3 बार। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। एक गुणे एक गुणे एक, इसका मतलब कितना आ गया भाई, कहेंगे 1 आ जाएगा। अगर 2 का क्यूब पूछा जाए, इसका मतलब है 2 का गुणा कितनी बार, कहेंगे 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसी प्रकार 3 का, 4 का, हम कह रहे हैं लगभग आपको 10 तक तो भाई याद होना चाहिए। 10 क्या, 12 याद कर लो, 11 और 12 अगर इतना तैयार रखेंगे तो आप घनमूल निकालने में आपको इजी होगा। क्योंकि आपके जो एग्जाम में बनता है वो ज्यादा घनमूल से बनता है। किससे बनता है भाई, तो कहेंगे घनमूल से बनता है। चलिए देखेंगे इसको। सबसे पहले हम आपको 1 से लेकर 10 तक लिखवा दे रहे हैं आपको घन क्या होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर लिख दे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। उसके बाद निकालना आपको सिखाएंगे 2 का क्यूब, 3, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, 7 का क्यूब, 8, 9 और क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। इतना तो लगभग सबको याद रहता है भाई। 1 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे 1 होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होगा भाई 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का कितना, तो कहेंगे 729 और 10 का क्यूब कितना, तो कहेंगे 1000 हो जाएगा भाई। 11 और 12 को और याद कर लीजिए भाई, 11 का क्यूब 13, 31 और 12 का क्यूब, तो कहेंगे 17, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 17, 28 हो जाएगा। ये इतना आपको क्यूब याद होना चाहिए। जब अगर आप इसको याद किए रहेंगे तो आपका घनमूल हम कह रहे हैं बहुत आसान बन जाएगा, आप लगा सकते हो, चाहे जितना बड़ा अंक रहेगा उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये इतना तैयार रहेगा तभी। यहाँ पर 10 का भाई 1000 है, कितना है 10 का कितना है, तो कहेंगे 1000, ठीक है भाई। चलिए अब हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको, अगला पॉइंट हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है भाई। क्यों, देखिए वर्ग में तो हमने आपको सिखाया था लाइनिंग पे कर दो जल्दी आ जाए, लेकिन इसका घन भाई निकालते वक्त भाई 4 पार्ट में बंटता है। कितने पार्ट में भाई, कहेंगे 4 प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है और इसमें 4 प्रकार से लगाते भी हैं। ये नहीं है कि भाई देखिए आपको सिखा दे रहे, बाकी ये जल्दी पूछा नहीं जाता, आपको देखना है। एक तो होता है भाई 1 से स्टार्ट, 1 से प्रारंभ। अब 1 से प्रारंभ का मतलब है जैसे अगर हम कहें 11, 12,
13, मतलब यहाँ एक से स्टार्टिंग है, इनका कैसे निकाला जाएगा, इनका अलग निकलेगा, 13, 14, 15 ऐसे डैश डैश डैश। एक होता है भाई, यहां पर लिखना दूसरा पॉइंट, एक से अंत, एक से अंत, एक से अंत का मतलब है अगर हम कहें जैसे 21, जैसे 11 हो जाएगा, 11 भी आपका रहेगा, 11, 21, 31, 41 डैश डैश डैश। एक होगा आपका सेम सेम संख्या, समान अंक, समान अंक। देखिए समान अंक का मतलब जैसे 11 डबल दोनों एक एक है, 22 का हो गया, 33 का हो गया आपका, 44 हो गया, 55 हो गया, कुछ ऐसे। एक होता है अलग अंक, समान अंक, एक होता है अलग अंक। क्या हो भाई, अलग अंक के हो, जैसे आप ले लें 23 हो गया, 24 हो गया, मतलब जो अलग अलग अंक है उसको निकालना होता है। तो आपको हम सिखाएंगे बस यही तीन आपका काम देता है, ज्यादा इसको भी नहीं, ठीक है, लेकिन आप सीख ले कैसे निकाला जाता है, हम आपको एक एक बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए देखना, आप सबसे पहले हमको सीखना है भाई एक से स्टार्टिंग वाले कैसे करेंगे, एक से प्रारंभ जिसको होता है उसको कैसे करना है, ये आपको सीखना है। देखिए एक से स्टार्टिंग में हम किसका निकाल दें, 11 का निकाल दें या 12 का, कहें 11 का ही निकाल दें। तो सबसे पहले 11 का निकालना है, मान लीजिए 11 का क्यूब निकालना है, इसको कैसे करेंगे भाई, यहां पर ये दो अंक जो दिख रहे हैं आपको ऐसे लिखना होगा, एक इसको लिखे, उसके बाद जो इसका बगल वाला दूसरा अंक होता है इसका स्क्वायर लिखते थे, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, और एक का क्यूब कितना होगा, कहेंगे एक होगा भाई, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एक हो जाएगा। अब ये दोनों अंक जो पहला और अंतिम अंक होता है इन दोनों को छोड़ते हैं, इसका डबल मतलब इसमें दो से गुणा, दो एक कम दो और दो एक कम दो, जोड़ लो आपका क्यूब पता चल जाएगा भाई, एक दो एक कितना, तीन, यहाँ दो एक तीन, यहाँ पर एक, 11 का क्यूब कितना हो गया भाई, कहेंगे 1331 हो गया, कितना हो गया 1331 हो गया। ये जो एक से स्टार्ट होंगे उनको इस तरह से किया जाएगा। 12 का देख लिया जाए, 12 का क्यूब, देखिए 12 का क्यूब कैसे होगा भाई, सबसे पहले ये दोनों अंक जो है इसको लिखे, एक लिखा उसके बाद क्या लिख दे, तो कहें दो। अब ये दूसरा अंक है इसी का स्क्वायर लिखेंगे, दो का स्क्वायर कहेंगे चार, और दो का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे आठ। अब पहला और अंतिम अंक को भाई कैंसिल कर दो, ये जो बीच के अंक होते हैं इसका डबल करते हैं, या दो से गुणा, तो दो दूना चार और दो चौक आठ, मतलब ये जो बीच के अंक होते हैं इनका डबल किया जाता है। अब इनको जोड़ लो, 12 का क्यूब पता चल जाएगा, आठ, आठ चार 12 की दो हासिल है, चार दो छह एक हासिल, सात, यहां पर एक, इसका मतलब 12 का क्यूब कितना हो गया भाई, कहेंगे 17 28 हो गया, कितना हो जाएगा 17 28 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहें 13 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 का क्यूब, सबसे पहले इन दोनों अंकों को लिखो, एक लिखा और तीन लिखे भाई। अब इसी जो बगल वाला अंक है इसी का स्क्वायर इसी का क्यूब, तो तीन का स्क्वायर कितना, कहेंगे 9 हो जाएगा, और तीन का क्यूब तो कहेंगे 27। अब इसको खाली करो भाई, इसको इसका डबल करेंगे, तो तीन दूना या दो से गुणा करें तो दो तिहाई छह, दो से गुणा करेंगे 2 9 18, जोड़ो भाई, इसको प्लस करते हैं अंत में, यहां 27, देखो 27 से 27 का 7 हासिल 2, अब इसको जोड़ेंगे 18 9 27 हासिल 2 जोड़ेंगे 29, 29 की 9 हासिल 2, यहां पर 6 3 9 हासिल 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल 1, एक इसमें जोड़ दें तो 2, इसका मतलब 13 का क्यूब कितना हो गया भाई, कहेंगे 21 97 आया, कितना आ गया भाई 21 97 आया, ठीक है। इसी प्रकार 14 का मतलब इसी प्रकार से निकलेगा। चलिए ये तो हो गया भाई एक से स्टार्टिंग वाले को कैसे करते हैं। अब देखें अगला, जो आपका एक से एंडिंग है एंड वाले को कैसे करेंगे उसको देख लें। तो देखो 11 का तो निकाल चुके क्योंकि स्टार्टिंग से भी वही है, हम 21 का चेक कर लेंगे, किसका चेक कर लेंगे 21 का। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, यहां पर एक से अंत वाले, एक से अंत, एक से अंत जिसका रहेगा उसका कैसे निकालेंगे इसको देखना भाई। देखो जैसे कहें 21 है, 21 के बाद क्या होगा 31 होगा, 31 के बाद 41 होगा, इस तरह से। तो हम सबसे पहले 21 का क्यूब निकाल रहे हैं, अब इसको कैसे करेंगे भाई, यहां पर ये अंत से अब लिखना चालू करेंगे, एक उसके बाद दो, दो का स्क्वायर कहेंगे आठ, दो का क्यूब कितना तो कहेंगे भाई कितना, सॉरी दो का स्क्वायर कितना तो कहेंगे चार, और दो का क्यूब तो कहेंगे आठ।
अब पहला और अंतिम अंक आपको छोड़ना है। इसका डबल 2 से गुणा 2 दूना 4 2 चौक 8 जोड़ लीजिए, 1 4 2 6 8 4 12 की 2 हासिल है, इसमें जोड़ेंगे 1 हासिल तो 9, इसका मतलब 21 का क्यूब कितना आ गया भाई, कहेंगे 92 61 आ गया, ठीक है, कितना आया 92 61 आया। इसी प्रकार 31 का अगर आपको करना है तो चलिए 31 का कर दें, देखें इसको 1 लिखेंगे और उसके बाद 3 का स्क्वायर कहेंगे 9 और 3 का क्यूब कहेंगे 27। अब पहला और अंतिम अंक छोड़ो भाई, इसका डबल 3 दूना 6 और 9 दूनी 18 जोड़ो, 1 6 3 9 यहाँ 18 9 27 27 की 7 हासिल 2 और 27 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, कहेंगे 29 हो जाएगा, इसका मतलब 31 का क्यूब हो गया 29 791 हो जाएगा। ये तो हो गया 1 से एंडिंग वाले भाई। अब सेम संख्या का देख ले, समान अंक वाले कैसे करते हैं, समान अंक वाले, समान अंक, अब देखिएगा समान अंक कैसे होगा। इसको जैसे समान अंक में हमने बताया था 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है, 44 होता है, कुछ इस तरह से, लेकिन अब 11 का तो आप निकाल चुके हैं, 1 से एंडिंग भी है, 1 से स्टार्टिंग भी है, समान अंक का भी है, तो 11 का तो निकालेंगे नहीं, तो चलिए हम 22 का निकाल देते हैं, 22 का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करते हैं, जब समान अंक वाले में क्या करते हैं, इसका क्यूब ही लिखना है, 2 का क्यूब कितना कहेंगे 8 8, 4 बार इसी को लिखना, उसी का आपको क्यूब लिखना है, क्या करना है क्यूब लिखना है। पहला और अंतिम अंक छोड़ दो भाई, इसका डबल और इसका भी डबल जोड़ लीजिए, आपका आंसर 8 हो गया, यहाँ पर 16 8 कितना 24 की 4 हासिल 2, 16 8 24 2 26 की 6 हासिल कितना भाई 2, 8 2 कितना तो कहेंगे 10, 22 का स्क्वायर हो गया भाई कितना कहेंगे 10 648 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 648 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समान अंक में ऐसे ही करेंगे, मतलब इसका क्यूब 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 लिखेंगे, उसके बाद पहला और अंतिम अंक छोड़ना है, इसका डबल जोड़ लिए, आ गया आपका क्या 22 का क्यूब मिल गया 10648 हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार आपको घनमूल निकालना, ये तो घन निकालने का तरीका था, घन कैसे निकाला जाता है, अब आपको घनमूल निकालना है, चलिए हम सवाल देखते हैं उस पर स्टार्टिंग करेंगे। चलिए जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए यहां पर देखिए 3 लगा करणी के अंदर, इसका मतलब होता है इसका घनमूल आपको बताना है, घनमूल बताना है, किसका घनमूल है ये आपको सीखना है भाई। कैसे आप तैयार करेंगे, जब आपको 1 से लेकर 10 तक पता रहेगा क्यूब, तभी आप इसको जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना होगा भाई, जैसे कक्षा 8 में आप क्लास में करते हैं भाई, इसका गुणनखंड करते हैं 10 38 23, आप इसको करते रहे, काटते जाइए, सोचिए विचारिए कैसे करना है, तो बड़ा लंबा समय लेता है, आपको वो चीज़ नहीं करना है, जल्दी करना है, और जल्दी कैसे आएगा, जब आप 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होगा तभी आप कर पाओगे। चलिए देखते हैं इसको, देखो भाई सबसे पहले हम आपको क्यूब लिख दे रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखें इसको 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का 27 4 का क्यूब 64 5 का 125 6 का 216 7 का 343 और 8 का कितना भाई तो कहेंगे 512 और 9 का कितना 729 और 10 का कितना तो कहेंगे 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब आपको देखना, देखिए इसमें घनमूल निकालना है, घनमूल निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले आपको आखिरी का 3 अंक छोड़ना होगा, आखिरी का 3 अंक ये छोड़ दीजिए, अब आगे का जितने अंक बचे रहेंगे उसको देखेंगे, आखिरी के 3 अंक आपको पहले भाई छोड़ना होता है, तो कहोगे 823 छोड़ दिए तो बचा कितना आगे, कहेंगे 103 बचा, अब आपको यही देखना होता है कि 103 कहाँ है, देखो इसको, अब इधर देखना है भाई, ये जो आगे के अंक बचे रहते हैं, ये जो आप क्यूब लिखे इसी में देखना होता है 103 मिलेगा कहाँ, तो आप कहोगे 64 और 125 के बीच 103 मिलेगा, मतलब अगर 64 से गिनना चालू करें 125 तक गिनेंगे उसी के बीच में आपको 103 आपको मिल जाएगा भाई। चलिए अब इसमें क्या करते, देखिए 103 आपका इसी के बीच होगा, इसमें हम लोग अब बड़े मान को नहीं लेते हैं,
मतलब 125 वाले को नहीं लेना, हमको छोटे वाले मान को लेना, और छोटा वाला मान जो लिया जाएगा वो इस साइड से लिया जाएगा। तो 64 किसका है? 4 का क्यूब, यहाँ छोटा कितना कहेंगे 4 हो जाएगा भाई। अब क्या कर रहा है, ये तो हो गया 4, अब लास्ट में देखिए 823 है, इसका आखिरी अंक देखा जाता है, आखिरी अंक क्या है तो कहेंगे 3 है। अब आपको देखना है किसके अंत में 3 आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसी तरफ देखना है तो कहेंगे 3 आ रहा है 7 के क्यूब में, इसका मतलब है यहाँ से आपको 7 उठाना है, यहाँ से 7 उठाए तो बन गया किसका क्यूब बन गया, कहेंगे 47 का क्यूब बन गया। किसका क्यूब है भाई? 47 का, और पहला ऑप्शन क्या है भाई? राइट हो जाएगा। मतलब जब आपको तैयार रहेगा तो आप जल्दी कर सकते हो। फिर से एक बार देखना, 823 मतलब आखिरी के 3 अंक छोड़ना है, उसके बाद शुरू के जितने अंक बचे, चाहे 1 अंक बचे, चाहे 2, चाहे 3, उसको देखना। अब कहोगे 103 बचा है, 103 देखना इधर किसके बीच में आएगा, तो कहोगे 64 और 125 के बीच है, 103 आएगा। अब यहाँ पर छोटे वाले मान को लेंगे, छोटे वाले मान का मतलब यहाँ 64 है छोटा, तो छोटा मान का किसका है? कहेंगे 4 का क्यूब, तो यहाँ से 4 मिल गया। उसके बाद अब जो 3 अंक छोड़े थे इसका लास्ट अंक देखेंगे, 3, 3 कहाँ है? तो कहोगे 7 के क्यूब में यहाँ पे है, तो यहाँ से ये 7 उठेगा, यहाँ 47 बन गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 14, 18, 877, तो आपको सबसे पहले आखिरी के 3 अंक छोड़ना है, यहां से आपको शुरू के अंक देखना है 148। अब देखो 148 किसके बीच में आएगा, सबसे पहले इसको देखेंगे, देखिए 148 कह रहा है। अब आप देखें 148 तो हो गए, 125 और 216 के बीच आता है, जब आपको याद रहेगा तब आप जल्दी करोगे, मतलब 148, 125 और 216 के कहेंगे बीच में आएगा। यहाँ पर अगर इसको कह दिया जाए भाई, यहाँ पर देखें यहाँ पर कितना, तो कहेंगे 148 आएगा। अब यहाँ पर जो छोटा मान होता है उसी को लिया जाएगा, तो यहाँ से छोटा 125 छोटा, 216 बड़ा, 125 किसका क्यूब? कहोगे 5 का, इसका मतलब वहां पर क्या लिया जाएगा मान? कहेंगे 5 ले लेंगे। देखिए बार बार यहाँ पर भाई लिखना तो उचित नहीं है, देखिए नहीं तो कहीं हम लिख के एक बार समझा ही देते हैं, तो यहाँ पर चलिए हम एक बार फिर से आपको लिख देते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का क्यूब। आप याद करे रहे तो आपका प्रश्न क्या होगा भाई, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब 8, इसका 27 और इसका कितना, तो कहेंगे 4 का क्यूब भाई 64, 5 का 125 हो जाएगा, 6 का 216 और 7 का 343, उसके बाद 8 का कितना, तो कहेंगे 512 और 9 का कितना 729 और 10 का कितना, तो कहेंगे 1000 हो जाएगा भाई। अब देखो एक बार 877 आखिरी के 3 अंक छोड़े, बचा कितना 148 बचा है, 148 देखना किसके बीच आता है, तो कहेंगे 125 और इसके बीच आएगा 148। अब यहाँ पर छोटे वाले मान को लेंगे, छोटा वाला मान मतलब 216 की 125, कहेंगे 125 छोटा है किसका है? 5 का, यहाँ से 5 कर दिया। अब जो आखिरी के 3 अंक छोड़े थे उसमें का अंतिम अंक देखा जाता है, तो अंतिम अंक कौन सा है? कहेंगे 7 है यहाँ पर। अब देखो 7 यहाँ पर किसके अंत में दिख रहा है, तो कहोगे 3 के क्यूब में यहाँ पे 7 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से 3 उठेगा, कितना उठा भाई? तो कहेंगे 3 उठा और यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, तो कहेंगे 53 हो जाएगा। 53 कौन सा विकल्प? पहला ऑप्शन क्या है भाई? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखें भाई अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 551, 368 कह रहा है, 551, 368, अब आपको बताना है किसका क्यूब है। तो देखिए आखिरी के अंतिम 3 अंक छोड़े भाई, आखिरी के अंतिम 3 अंक छोड़े और आगे के अंक आपको देखना है, आगे का अंक क्या है भाई? कहेंगे 551 है, कितना है? तो 551 दे रहा है। अब 551 देखना है किसके बीच में आता है, तो चलिए यहीं पर फिर से एक बार देख ले भाई, 551 देखिए किसके बीच में आएगा, तो कहेंगे 512 और 729 के बीच में 551 आएगा, 551 कहते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इसी के बीच अगर 512 से भाई पहाड़ा पढ़ना चालू करें तो 551 आएगा 729 तक में ही।
यही आपको देखना है। इसमें से हम छोटे वाले मान को लेंगे तो कहेंगे 729 और 512 में कौन सा छोटा, 512 और 512 है किसका भाई, कहोगे 8 का है। इसका मतलब यहां से आपको मिल जाएगा क्या, इसमें कहेंगे 8 मिल जाएगा। अब अंतिम अंक देखो भाई 8 है, क्या है 8 है, 8 देखो किसके अंत में आता है, देखिए फिर से यहीं पर देखेंगे 8 आ जाओ किसके, तो देखो 8 इसी में दिख रहा है और किसके अंत में, कहोगे 2 के, किसके अंत में भाई, कहोगे 2 के। इसका मतलब यहां पर अगला लिख उठेगा 2, इसका मतलब ये किसका क्यों भाई, कहेंगे 82 का, और थर्ड ऑप्शन क्या है भाई सही होगा। एक बार प्रैक्टिस करो आसान बन जाएगा प्रश्न, आप जो भी लगाते हो इस तरीके को सीखो भाई, सबसे बेहद आसान होगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखें, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, आखिरी के तीन अंक छोड़ो भाई 110 है। अब 110 को यहीं पर देखो भाई, देखो 110 कह रहा है, अब 110 कहां मिलेगा, 110 कहां मिल जाएगा, तो कहेंगे 110 आएगा आपका 64 से 125 के बीच में, क्योंकि ज्यादा नहीं रह जाना, 64 से गिनना चालू करोगे 110 125 तक के दर में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है 110 मिल जाएगा, तो यहाँ पर छोटा मान चाहिए, छोटा मान 64, और 64 किसका मान है, कहेंगे 4 का मान है, किसका मान है भाई, तो कहेंगे 4 का मान है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4। अब विकल्प से अगर खत्म करना, तो ये दोनों तो खत्म हो गए भाई, बचे ये दोनों, कौन सा लगाए। अब आपको देखना आखिरी के दो अंक, सॉरी आखिरी का अंतिम अंक 2 है, अब 2 किस में आता है, अब आपको ये देखना है, तो आपको पता होना चाहिए 512 है, 512 किसके क्यूब में आता है, कहोगे 8 का, इसका मतलब यहाँ पर 8 लिख उठेगा। जब याद रखोगे तभी, क्योंकि 512 में आखिरी अंक 2 होता है, तो 2 यहां पर है, बाकी भाई ये देख सकते हो यहां पर आखिरी अंक 2 है, 2 किसका है, कहोगे 8 के क्यूब का है, यहां से 8 उठेगा और यहां लिखा जाएगा, ये बन जाएगा आपका किसका क्यूब, कहेंगे 48 का बन जाएगा, और ऑप्शन पहला क्या है भाई सही हो जाएगा। ठीक चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, तो प्रश्न बेहद आसान होते, बस आपको एक बार समझना है, समझ गए, जहां सीख गए 100% आप प्रश्न को बना लोगे भाई। ओके चलिए अगला प्रश्न देखें, 875 875 आखिरी के तीन अंक छोड़े 42 है, अब 42 किसके क्यूब में, 20 में आएगा, तो आप कहोगे 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, अब कहोगे 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आपका क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा, तो आपको बड़ा वाला नहीं लेना है 64 वाले, मतलब 4 का क्यूब नहीं लेना, वहां से आपको 3 को उठाना है, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। अब 75 है, 75 किस, देखिए आखिरी का 5 है, 5 किस में आएगा, जब 5 का क्यूब करोगे 125, क्योंकि 125 का अंतिम अंक 5 है, 125 में आपको 5 मिलेगा, इसका मतलब 125 किसका क्यूब भाई, 5 का, यहाँ से 5 हो जाएगा, और स्क्वायर सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 क्या होगा भाई, लग जाएगा आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके देखो 100% एक बना लेंगे। ओके चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भाई, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग से हम चाहेंगे, इसको आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और आंसर बताइएगा, आखिरी के तीन अंक छोड़ना है, 804 देखना, 804 729 1000 आसान है, आप बता सकते हो। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये आपका एग्जाम में भाई पूछा जाता है। ठीक देखिए जो बताए जा रहे हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं भाई, ऐसे ही बनते हैं, ज्यादा आपका लेवल नहीं पूछा ही क्या जाएगा, जितने वही तो बता रहे हैं भाई, अलग से कुछ और नहीं है, यही तना इसमें बनता है। चलिए इसको कैसे करना है, तो 5400 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, इसका मतलब होता है सबसे पहले इसका गुणनखंड करें। चलिए इसको कर भाई, 5400 यहाँ पर कितना भाई, तो कहेंगे 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 दूना 4, एक बचेगा 2 × 7 = 14, यहां पर 00, 2 से फिर काटो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 भाई, 7 में ले जाओ 2 × 3 = 6, एक बचेगा 1 इसके बाद 10, 2 × 5 = 10, फिर 2 से काटो भाई 2 × 6 = 12, 13 में लेके एक बचा 15, 2 × 7 = 14, एक बचेगा 2 × 5 = 10, 3 से काटे इसको, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6, एक शेष बचेगा नहीं, 3 × 2 = 6, एक बचा 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटे भाई इसको तो 3 × 7 = 21, 22 में से 21 गया 1, 1 इसके 15, 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटे इसको तो 3 × 2 = 6, एक बचा 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटें तो 5 × 5 = 25 और 5 = 5, कहेंगे 5,
अब देखो भाई यहां पर घन है, घन में तीन तीन का जोड़ा बनता है, कितने का जोड़ा बनता है कहेंगे तीन तीन का। तो देखिए इसका तीन का दो का बन गया, इस तीन का जोड़ा बन गया, लेकिन इस पांच का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब आपसे कह रहा है किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। यहां पर प्रश्न सही से समझना भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ग में तो वर्ग में था, जो बचता था वही आंसर होता था, लेकिन यहां पर ऐसा कंडीशन नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, अब ये बताएं आप इस पांच को अपना जोड़ा बना ले, क्योंकि तीन का जोड़ा बनाना है, दो पांच पहले से है, एक पांच और मिल जाए इसका मतलब उसका जोड़ा बन जाएगा। तो आपको यहां पर यह देखना है जितने की जरूरत होगी वही इसका क्या होगा भाई, उत्तर होगा। कौन से कंडीशन में, तो गुणा की कंडीशन में, गुणा की कंडीशन में, गुणा में देखना है भाई जितना भाई जोड़ा बनाने के लिए, गुणा में जितना जोड़ा बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए जरूरत होगी, जरूरत होगी वही उत्तर होगा भाई, वही उत्तर होगा। आपको यहां पर यह चीज समझना है भाई, वही उत्तर होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर कहें पांच है, पांच को अपना जोड़ा बनाने के लिए कितने पांच की जरूरत, कहोगे एक पांच की जरूरत है, इसका मतलब पांच क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर होगा, और ऑप्शन कौन सा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, सही हो सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां भी वही है 4000 कह रहा है, तो चलिए 4000 को इसको तोड़े भाई, दो से काटे सबसे पहले, तो दो दूना चार, दो से फिर काटे तो दो एक कम दो, दो से इसको काटे तो दो पंचे दस, यहां पर डबल जीरो, फिर दो से काटो दो दूना चार एक बचा, दो पंचे दस यहां पर जीरो, फिर दो से काटो दो एक कम दो और दो दूना चार एक बचेगा, दो पंचे दस। अब पांच से काटो भाई तो पांच दूना दस और पांच तिहाई कितना, सॉरी यहां पर पांच दूना दस दो बचेगा, पांच पचम पच्चीस, पांच पचम पच्चीस और पांच एक कम पांच। यहां पर देखिए तीन तीन का जोड़ा बनाओ भाई, इसका जोड़ा बन गया, इस पांच का जोड़ा बन गया, इस दो का जोड़ा नहीं बना है। अब आपसे भाग करने के लिए कह रहा है भाई, तो भाग करने के लिए कह रहा है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको यहीं पर बताना है। तो देखिए भाग की कंडीशन में क्या होता है, हमने गुणा की कंडीशन में आपको इसके पहले बताया है कि जितना आपको जोड़ा बनाने के लिए आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, वही क्या होगा उत्तर। जैसे इसमें पांच था, डबल बार था, एक पांच चाहिए था क्योंकि इसका जोड़ा बनाने के लिए, तीन का जोड़ा बनाने के लिए, तो वहां उत्तर क्या हो गया था, कहेंगे पांच, मतलब जितने की जरूरत। लेकिन भाग की कंडीशन में क्या है, भाग में जितना बचा रहेगा वो उत्तर हो जाता है भाई। भाग की कंडीशन में, भाग में जिस अंक का जोड़ा ना बने वही उत्तर होगा, जिस अंक का जोड़ा ना बने, जोड़ा ना बने वही उत्तर होगा भाई, उत्तर होगा। आपको यह चीज समझना है। अब यहां पर कहेंगे इस दो का जोड़ा भाई नहीं बन रहा है, तो जितने का ना बने वही आंसर है, दो बार है क्योंकि भाग है, यहां पर कहा गया है भाग किया जाए, इसका मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, दो दूना तो कहेंगे चार। चार कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही है, गुणे की कंडीशन में जितना जरूरत वो उत्तर, और भाग में जितना बचा रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, मान बताना है अब आपको। यहां पर देखिए घनमूल कह रहा है भाई, तीन का मतलब यहां करनी के बाहर, इसका मतलब है कि आपको घात तीन के रूप में बताना है किसका मान है। अब आप बताएं 125, 125 किसका क्यूब है भाई, कहोगे पांच का क्यूब है। 64 किसका है, कहोगे चार का क्यूब है। बाहर निकालिए भाई इसको रूट से, इन दोनों का गुणा करें तो कितना होगा, कहेंगे पांच चौक बीस, और बीस कौन सा निकल भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, राइट होगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में बनता है भाई, बहुत छोटा, लेकिन जब आपको पता रहेगा तभी आप कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, क्यूब कह रहा है। 64 किसका क्यूब होता है,
64 अगर याद रहेगा आपको 10 तक तो आप जल्दी करोगे, 64 किसका है तो कहेंगे 4 का, 343 कहेंगे 7 का, 7 का क्यूब है, इसका मतलब उत्तर कितना आ गया भाई 4/7, और 4/7 कौन सा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन क्या है भाई, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई, यहां पर देखिए 216 है, 216 किसका क्यूब, तो कहोगे 6 का गुणे, यहां पर माइनस है तो माइनस आपको लगाना है भाई, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। 343 किसका है तो कहेंगे 7 का, यहां माइनस और यहां कुछ नहीं भाई प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, इसका गुणा करें तो सच्चंग कहेंगे 42, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, और यहां पर देखिए भाई एक दोनों में 42 है, एक में आपका क्या होगा कहेंगे -42 होगा, चौथा ऑप्शन मान लें, यहां पर क्या होगा तो यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन यहां पर कहेंगे माइनस का 42 आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 42 आपका क्या होगा भाई राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा, इसको देखें, कह रहा है रूट 12 प्लस एक रूट के अंदर 147 बराबर क्वेश्चन मार्क, अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, ये आपका वर्ग से सवाल है, क्या है वर्ग से, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लगा, अगर घात 3 देता तब तो घनमूल से बन जाता, लेकिन कुछ नहीं लगा है इसका मतलब स्क्वायर से है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका मान कैसे निकालें, देखिए 12 का अगर हम निकालें गुणनखंड कर दें तो 2 से काटे कहेंगे 2 छंग 12, यहां से 2 तिहाई 6 और 3 एकम। अब देखो भाई जिसका जोड़ा बनता है उसको रूट से बाहर लिखते हैं, जैसे 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना तो कहेंगे रूट के अंदर 3। देखिए वर्ग है क्योंकि यहां पर हमने बताया घात 3 देता तब तो घनमूल था, लेकिन अगर घात 3 नहीं है कुछ नहीं है तो वहां वर्ग होता है स्क्वायर होता है, तो वर्ग में कितने का 2 का जोड़ा प्लस 147 को यहां लिख लो भाई, 147 को काटे, इसको आप 3 से काट दो तो 3 चौक 12, यहां पर 2 बचा 2 27 हो जाएगा, 3 9 27, 7 से काटो 7 49 और 7 1 7, इसमें 7 का जोड़ा बना, अब जिसका जोड़ा बना उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट के अंदर। अब भाई आपसे प्लस कह रहा है, क्या कह रहा है प्लस, देखिए प्लस में क्या होता है ये दोनों तो सेम सेम है तो आगे के अंक जुड़ते हैं, 7 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा कहेंगे 9√3, कितना होगा भाई कहेंगे 9√3 हो जाएगा, और 9√3 कौन सा ऑप्शन कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9√3 आपका क्या है राइट आंसर। देखिए प्रश्न आपके ऐसे ही बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है आपका घन और घनमूल में, इसलिए आप लोग अच्छे से भाई प्रैक्टिस करते रहो, जितना कुछ बताया गया सही से पढ़ लोगे तो अंक बदल सकता है, बाकी आपका पूछने का ढंग बिल्कुल यही रहेगा। ठीक, तो आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी भाई, और वीडियो को खूब शेयर किया करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।